बिकॉज हम लोग लड़कियाँ ऐसे फ्रीली घूम सकती हैं बिकॉज हमारे जवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें तो अगर uh, ऐसी फिल्म बन रही है जो हमारे जवान्स के बारे में है uh, हमारे जो सेवेंटी सिक्स जवान जो uh, उनको इतनी नक्सली ने इतनी क्रूरता से मारा था सो आई वुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर अ फिल्म दैट सेज दैट दैट्स रॉन्ग सेलिब्रेट करना रॉन्ग है अगर ऐसे है एंड आई लव माई कंट्री एंड आई एम आई फील वेरी क्लोज टू द पीपल प्रोटेक्टिंग इट आई थिंक यू शुड सी वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री इंस्टेड ऑफ सिंग कि कंट्री क्या कर रही है मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही पॉइनेंट um, पॉइंट्स point को uh, आगे लेके आएगा आपको बहुत अवेयरनेस uh, हो जाएगी बहुत सी बातों का जो लाइक like, मुझे पता भी नहीं था uh, ये फिल्म करने से पहले फिर भी बहुत बातें हो रही हैं आपके ऊपर आरोप लगता है प्रोपागेंडा फिल्मों का हिस्सा बनते जा रहे हैं आई थिंक सी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हर एक किसी का ओपिनियन प्रोपागेंडा हो सकता है बिकॉज अगर मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से नहीं मिलता हो तो देन आल से कि यज़ प्रोपागेंडा अगर आपका मुझसे नहीं मिले आप बोल सकते हो प्रोपागैंडा बट आई थिंक केरला स्टोरी ने एक चीज़ सिखाया सबको कि फिल्म देख के फिर कॉमेंट करो बट वी इन अ कंट्री जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मुझे बहुत पसंद है सो so, कुछ लोग तो बिना देख के भी रिव्यू भी करते हैं हमारी फिल्में पर uh, उनको आई थिंक रोका नहीं जा सकता बिकॉज जितने लोग प्यार भी भेजते हैं हम लोग उनको नहीं रोकते है. कितना प्यार मिलता है हम लोगों को अनगिनत और वो हम सब लेते हैं तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट ही करना चाहिए आई थिंक क्या आपको क्या महसूस हुआ स्क्रिप्ट जब आपके पास आई ऑब्वियसली दादा के साथ आपने पहले काम किया हुआ था सेम टीम रिपीट हो रही है तो कितना ट्रस्ट था आपको बस्तर की कहानी पे आप गई हैं कभी कभी आपने देखा है नज़दीक से इस समस्या को ट्रस्ट तो ऑफकोर्स फुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट था अगर परसेंटेज से भी ज़्यादा कुछ ट्रस्ट हो बिकॉज़ अगर आप ऐसी फिल्में कर रहे हैं यू हैव टू ट्रस्ट योर मेकर्स एंड मैंने केरला स्टोरी में भी पूरा समर्पित करके कर दिया बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड डू ऐसी फिल्में अगर बीच में आपको कुछ डाउट्स हो मेकर्स पे फिर परफॉर्मेंस में दिख जाता है uh, तो ऑफ़कोर्स ट्रस्ट था एंड uh, मैंने बहुत सारा मटीरियल पढ़ा था जो दादा ने मुझसे शेयर किया था एंड मैंने um, मैं वहाँ गई भी Uh, दादा वॉज काइंड एन विपुल सर एंड एज अ टीम वो लोग डिसाइड करते कि ऐसी फिल्म बनाने से पहले लाइक लेट योर एक्टर लिव इट तो मैं वहाँ आई पी एस ऑफिसर से भी मिली आई जी से भी मिली सी आर पी एफ जो जवान्स हैं उनके साथ भी मैं रही वहाँ पे आई स्टेड इन देयर कैंप्स आई सॉ की वो लोग uh, ट्रेनिंग कैसे करते हैं आई सॉ की जो हाइड आउट्स है वो कैसे करते हैं एंड यहाँ पे इन रियल लाइफ हम लोग इतने स्पॉइल्ड है कि अगर सपोज दो घंटे के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं आई फील लाइक मुझे बाथरूम ब्रेक चाहिए मुझे बाथरूम जाना है पर आप uh, जवान हो तो आप नहीं बोल सकते हो ऐसे कभी कभी आप एक जगह पे uh, पूरा नदी पार करके आपके कपड़े गीले हैं आप एक पेड़ के पीछे छुपे हो रेडी यू नो एंड दे सेट ऑन द गन दे डोंट इवन लीव दैट यूजली आप ट्रिगर रिलैक्स रखते हो वो इधर रखते हैं बिकॉज यू डोंट नो कहाँ से फायरिंग हो रही है वो लेवल ऑफ अलर्टनेस और फोकस रखना समटाइम्स फॉर डेज़ आप खाना नहीं खा रहे हो तो वो सब चीज़ें हाँ हम मैं रही उनके साथ तो मैंने देखा कि ये है एंड आई थिंक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटट्यूड आ गया बिकॉज हम लोग लड़कियाँ ऐसे फ्रीली घूम सकती हैं बिकॉज हमारे जवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें तो अगर uh, ऐसी फिल्म बन रही है जो हमारे जवान्स के बारे में है uh, हमारे जो सेवेंटी सिक्स जवान्स जो uh, उनको इतनी नक्सली ने इतनी क्रूरता से मारा था सो आई वुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर अ फिल्म दैट सेट्स रॉन्ग सेलिब्रेट करना रॉन्ग है अगर ऐसे है एंड आई लव माई कंट्री एंड आई एम आई फील वेरी क्लोज टू दीपल प्रोटेक्टिंग इट एज एक्टर वही मैं पूछा जब अपना कम्फर्ट जोन छोड़ के जब ऐसी जगह पर जाते हो तो क्या और सीखने को मिला आपको क्या आपको आपको कोई मैसेज देना है देश को या समाज को कि इस समस्या को पहली बात तो आई होप मैं और अच्छी इंसान मैं बन पाई शायद वहाँ रह के एंड सेकेंडली आई थिंक कि इट्स वेरी इजी कि हम लोग कह सकते हैं कि यू you नो know, uh, देश ठीक नहीं है ये काम नहीं कर रहे हैं ये ऐसे क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ये रोड में खड्डा है या कंप्लेन करना बहुत इजी है एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट एक्चुअली आई वुड से डोंट बट कंप्लेन करना अलग है आप क्या कर रहे हो आपके देश के लिए आई फील कि वो अगर आप सोचो तो हमारी कंट्री आई मीन कोई इतनी तरक्की एनी anyway, वे हम लोग कर रहे हैं कोई तरक्की से शायद रोक ही नहीं पाएगा हमें एंड छोटी चीज़ें जैसे अगर uh, मैं एक लड़की हूँ जो इस कंट्री से हूँ एंड मैं अगर घर पे हूँ तो मैं ये रूम से वो रूम जा रही हूँ तो मैं फ़ैन और लाइट बंद करके जाऊँ उतना कंट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है अपनी कंट्री के लिए आई एम नॉट कि जो खोदा हुआ है रास्ता मैं उसको भर दूँ वो पॉट होल्स है पर जो मैं क्या मैं कर रही हूँ जो सब मैं कर सकती हूँ अपने कंट्री के लिए तो आई थिंक छोटी चीजें लाइक दिस ओनली तो वॉट डू यू थिंक यू कैन डू फॉर योर कंट्री इफ एवरी वन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वन थिंग जो वो अपने लेवल पर अपने कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज हम सबको अपने देश से बहुत प्यार है एवरीवन वन लवस कंट्री सो आई थिंक यू शुड सी वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री इंस्टेड ऑफ सेंग्री क्या कर रही है मेरे लिए